स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं बैंगलोर, जो होंडा का इलेक्ट्रिक एक्टिव आ रहा है उसको वॉक अराउंड करेंगे। आज तो हम ड्राइव तो फिर कभी होगी, बाकी आज हमारे साथ बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं। समर्थ तो जा ही रहा है साथ में, हंसज और मोटर प्लैनेट से नहीं कार एंड बाइक से, नया नाम मिल चुका हंसज भाई को, और आशीष भी जा रहा है हमारे साथ। सब ने अपनी जॉब स्विच कर ली, मैं ही रह गया हूँ बस अभी अकेला। तो हम टर्मिनल 1 पहुँच गए हैं। नहीं भाई, जॉब की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो चलिए टर्मिनल 1 पहुंच गए हैं और अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं। चलो साथ में, इंडिगो की फ्लाइट है, 11:30 बजे, 12:30। चलो 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 चलो, भागम भाग भागम भाग। ये मस्त टर्मिनल बन गया अपने आप, मस्त हो रहा है। बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं अभी भैया, मेरा भी निकालो। अब ने कितना सोचा था कि हम कुछ खाने को ले लेंगे, लेकिन अब हम इंडिगो का ही खाना खाना पड़ेगा। लेट तो हाँ, बस ये कह सकते हैं कि हमारी फ़्लाइट जो है 12:50 पे चलेगी, 11:40 हो रहे हैं अभी। अभी हम सिक्योरिटी चेक हो गए तो हाँ, फिर तो फिर हंसर भैया एयरपोर्ट का खाना खिलाएंगे। इतनी लंबी लाइन लगी डी जी यात्रा में, और हमारे साथ आज बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं। देखो भाई के 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, और इनका भी चैनल सब्सक्राइब करो, हमारा भी करो। तो फाइनली हमारी चेक इन कंप्लीट हो चुका है राइट टाइम पे। आशीष भाई अपना बैग पैक कर रहे हैं और हमारे भ्राता श्री फोटो ले रहे हैं स्टेटस पे डालने के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे जा रहा है स्टेटस। तो हमारी फ़्लाइट जो है 12:50 की है, 12:08 हो गए हैं भाई, भागो। चलो भाई चलो जल्दी। तो कुछ खाना है? खाते हैं। रेस लगेगी क्या 2 इंडिगो के प्लेन की? यहाँ स्टेटस चल रहे हैं और हमारे आशु भाई के साइड में 2 सीटें खाली हैं। वीआईपी सीट्स हो गई हमारे पास, सारी सीटें, पूरी रो अपनी है। अरे दूसरा प्लेन पीछे रह गया। पॉल्यूशन दिल्ली का एक ही वाई 400-500 जो रहता है ना, तो ये सारा ऊपर स्मोक है। तो अब बैंगलोर जाके दिखाएंगे वहाँ पे कोई पॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये पूरा जो है स्मोक की लेयर है दिल्ली के ऊपर। मस्टर्ड सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, इसके अंदर खोल के देखो ना क्या है। अच्छा, पेपर बोट का और उसका है कुकीज वगैरह। चलो अपन भी फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं खाने पर। तो हम ये लेज़ लेके आए थे, वैसी लेज़ में हवा कम होती है, यहाँ पे आके और बढ़ गई हवा। यहाँ पे लेज़ में आके हवा और बढ़ गई है। उधर की तरफ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, ब्राइट आ रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इतना ब्राइट है। बंद करो, लेज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो हम बैंगलोर पहुंच गए हैं और हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बस भी बिल्कुल अलग ही लेवल की बस आई है, ऐसी बस कभी मैंने देखी नहीं आज तक। फाइनली हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं एंड आज हमारा स्टे है ताज यशवंतपुर, रूम नंबर 537। और सबसे पहले रूम व्यू दिखा देता हूं मैं। तो भाई ये है हमारा रूम, सोफ़ा है, डबल बेड है, और यहां पे टीवी, कुछ स्नैक्स वगैरह, बाकी भी बड़ा सा मिरर यहां पे हम देख के सुबह को रेडी होंगे। यहां पे भी एक चेयर मिलती है, और भाई रूम तो डिसेंट है। मैंने और समर्थ ने भाई फिर से सेम ही रूम ले लिया। बाकी वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा वॉशरूम, कुछ बेसिक एमिनिटीज़, और आज का आउटफिट तो आपने ऑलरेडी देख लिया था। और यहाँ पे पॉट है, और ये अगेन बड़ा सा मिरर, एंड ये बड़ा सा समर्थ। और समर्थ अपना सिग्नेचर स्टाइल करेगा, उससे पहले फ़ोटो खींचेंगे हम।
फुट आ रहे यार। अभी देखो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देखो, 6:30 होने वाले हैं, ठीक है। तो हम और आज का कुछ अभी कुछ मतलब काम नहीं है, वैसे नहीं है अपने पास, अपने हम घूमने के लिए फ्री हैं, चिल मोड। तो अभी हम जाएंगे शायद रामेश्वरम कैफे, तो बहुत सुना है, बहुत फेमस कैफे है बैंगलोर को तो पता ही होगा। तो अब हम थोड़ा ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बैंगलोर सिटी। आए हम 7-8 बार है लेकिन एक्सप्लोर कभी नहीं करी है, सिर्फ आते हैं काम करते हैं निकल जाते हैं। आज पहली बार होंडा ने बोला कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ आप एंजॉय करो, चिल करो। तो आज रात बिना किसी टेंशन के यहाँ पे घूम सकते हैं। हाँ तो चलो बस थोड़ा एक बार फ्रेश हो जाते हैं और फिर निकलते हैं रामेश्वरम कैफे के लिए। हमारे जो चारों साथी हैं वो एक ही रूम में इकट्ठे हो गए हैं, सबका रूम 500, 530, 537, 522 ऐसी करके कुछ रूम है। हंसेज भैया हमारे काम पे लग गए हैं, नहीं ये दोनों काम कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं। अरे चलना नहीं है कहीं पे, कहाँ चलोगे? रामेश्वरम कैफे। अरे भाई छोड़ो, बंक मार लो। और अभी हम बेंगलोर मेट्रो से जाएंगे रामेश्वरम कैफे, सिर्फ 2 स्टेशन छोड़ के ही है। हाँ, ये अच्छा है, ये कि होटल के पास ही है ना, तो पहले हम कैब बुक कर रहे हैं, एक मिनट भी नहीं लगा कैब बुक कर रहे हैं, 4 कैब कैंसिल हुई तब जाके मेट्रो, जाम ही इतना इस समय। और अब हम आ गए हैं बेंगलोर मेट्रो पे, दिल्ली की मेट्रो में बहुत सफर कर लिया, ऐसा लुक है दिल्ली की मेट्रो में, बहुत सफर कर लिया। 14 रुपए से 2 स्टेशन दूर है, वाले नहीं जाते यहाँ से, डायरेक्ट कनेक्ट करवा देता हूँ RRTS और वैशाली मेट्रो। मेट्रो का कार्ड चल जाएगा तो बताओ। हाँ अभी ट्राई कर लेते हैं। अरे भाई बंद करो भाई, कितना काम करो, अकाउंट में से पैसे कट गए 60 रुपए, 4 टिकट 60 रुपए के। हाँ जाएगी, बोटैनिकल गार्डन जाएगी शूट कर लेना। अभी वेट करते हैं मेट्रो का, हमारी मेट्रो आ चुकी है। हमें कैसा लग रहा है? वैशाली मेट्रो की बात नहीं है भाई, ब्लू लाइन अपनी ब्लू लाइन में, रेड लाइन में। इसमें एक फायदा है, भीड़ नहीं है इस समय, वरना इस समय भीड़ होती है दिल्ली वाली मेट्रो, यहाँ पे जाम लगता है। फाइनली अब हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, प्राइसेस देख लो भाई, फिल्टर कॉफी 30 रुपए की है, ये तो 4 हो गई, ठीक है। और ये डोसा, बाकी डोसा घी पूड़ी मसाला डोसा, घी पूड़ी मसाला डोसा तो दो ले लें, ये पहले वाले करो, देखो क्या क्या ऑप्शन है, ओपन बटर मसाला डोसा, नहीं नहीं वही ठीक है, पहला वाला ही का सही होगा। हाँ यही आ रहा था नेट पे, आ जाएगी। कौन सी इडली हमारी? घी पूड़ी इडली, घी पूड़ी फाटे इडली, और हमारी फाटे इडली तैयार हो रही है। भाई अभी तक ये 3 ऑर्डर आ चुके हैं हमारे। रिव्यू दीजिए, रिव्यू कैसा है आपका रिव्यू? तो देखो पूरा खत्म हो गया, और इतना टेस्टी इडली, ठाटे इडली कभी नहीं खाई हमने। और भाई हमारा डोसा भी आ चुका है, तो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, क्रिस्प एकदम। और बस उसके बाद फिल्टर कॉफी और रह गई है, वो भी टेस्ट करेंगे। इसी वेला बाद एक नंबर था, और जो थाटे इडली थी वो तो भाई सबसे बेस्ट थी, एकदम सॉफ्ट, और टेस्ट जो घी का मसाले का वो एकदम अल्टीमेट था, मन तो कर रहा है एक और ले लो।
फाइनली हम रामेश्वरम कैफे से वापस आ चुके हैं। मेरा तो एकदम पेट फुल हो चुका है। तो आपने चीज़ें देखी, हमने क्या क्या ट्राई करी। 38 ट्राई करी, वो तो सबसे वन नंबर पे, उसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा। अगर आप कुछ ना भी ट्राई करें तो एक बार ये जरूर जाके ट्राई करना। बाकी हमने बिस्सी बेला बाज पे ट्राई किया, पहली बार ट्राई किया, उसका भी टेस्ट अच्छा लगा। और हाँ, जो डोसा था ना, वो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली की क्वालिटी से और यहाँ की क्वालिटी में एकदम डिफरेंस है। क्योंकि वहाँ पे जो आपको बैटर मिलता है, मतलब मेन जो बेस होता है ना डोसे का, वो थोड़ा पतला रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा था। और वही जो मसाला हमने 38 में देखा, वही मसाला यहाँ पे यूज़ हुआ था। बाकी फ़िल्टर कॉफ़ी भी पहली बार टेस्ट करी, तो फ़िल्टर कॉफ़ी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ट्राई करी। और भाई, जिस मोमेंट का इंतज़ार था वो आने वाला है। कैसा है? देखो, सुबह से चले हुए हैं तो थके हुए, तो सब कुछ अच्छा लगता है, बस नींद आ जाए। जो हमने स्लीप वेल के मैट्रेस लिए हैं उसके जैसा है? नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा सॉफ्ट है? नहीं, उससे सही है। उस जैसे ही तो मतलब नींद आ जाएगी आज। हाँ। तो चलिए फटाफट चेंज करते हैं और अब आराम करते हैं। The next morning. Good morning guys. तो आज day 2 है और कुछ हमारा morning का व्यू ऐसा है। अभी बज रहे हैं time 7:19 और हमें almost 8:30 पे निकलना है। तो भैया अभी फ्रेश हो रहे हैं, बाकी रूम का हाल कुछ बेहाल है अभी क्योंकि अभी जो है पूरा हमने रेडी हुआ हूँ मैं अभी। तो कुछ इस टाइप का मेरा आज का आउटफिट है, कैसा लग रहा है? बाकी बाहर का मौसम देख के तो लग रहा है कि ठंड हो रही है, इसलिए अभी थोड़ी शायद जैकेट पहननी पड़ जाए। बाकी हाँ, बाहर निकल के ब्रेकफास्ट करके फिर हमें 10 किलोमीटर दूर जाना है इवेंट पे अभी। तो सामने आप देख सकते हो मेट्रो, इसको देख के दिल्ली मेट्रो की याद आ जाती है। तो भाई, कल रात तो डिनर करके हम सो गए थे, लेकिन भाई पहली बार से बताऊँ तो ऐसी नींद आई बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे इवेंट है, तो आराम से हमने सोचा आराम से उठेंगे। वरना क्या होता है कि ना, सुबह 6 बजे के आसपास उठ के फिर निकलना होता है, कभी दूर होता है जैसे 2-3 घंटे अगर ड्राइव होती है कहीं। ये तो वेन्यू पास है, आधा एक घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से, वो भी ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा है। किलोमीटर तो काफ़ी कम है, 8-10 किलोमीटर है। जो बैंगलोर वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा ये चीज़, दिल्ली वाले सोचेंगे कि भाई 8 किलोमीटर के लिए 1 घंटा क्या लगेगा। तो भाई काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, रेड लाइट है हर चौक पे, इसे थोड़ा टाइम लगता है। बाकी हम रेडी हो चुके हैं। क्या क्या लिया आपने? राउंड 1 ये राउंड 2 है। तुम भी ले लो भाई, क्यों शर्मा रहे हो इतना? सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह शर्माते हो। एक बंदा 2 बजे तक एडिटिंग कर रहा था। हम आ चुके हैं वेन्यू पे। पे देखो स्नैक्स में, यहाँ पे मैसूर पाक है जो यहाँ का फेमस है साउथ का, तो मैसूर पाक ट्राई करते हैं। A few inches later. तो भाई हम शूट तो कंप्लीट करके निकल चुके थे, लेकिन हंसज भाई ने लंच ही नहीं करा, पेट पूजा कराते हैं उनकी। तो अभी हम आ गए हैं मैकडी में, और ये रहा भाई एयरपोर्ट से जस्ट पहले मैकडी पड़ता। क्या हुआ भाई, तुमने लंच क्यों नहीं करा? खाना क्यों नहीं खाते हो भाई? डेडिकेशन, खाना क्यों नहीं खा रहे? अब तुम दो पार्टी है, रुकने नहीं वाले थे, हमने रुकवाया जबरदस्ती, खा के जाओ। तो कैसा रहा आपका इवेंट? अच्छा रहा, बट खाना नहीं खा पा रहे, तो अभी मेहंदी में आके खाना खा रहे हैं। पेट पूजा होगी, मतलब अभी तो हमने ऑर्डर कर दिया, या तो जाते हुए खा लेंगे या फिर जब वहाँ एयरपोर्ट पहुँच के। एयरपोर्ट पे ना काफ़ी फालतू में, हाँ एयरपोर्ट सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले अगर मैगडी मिल गया तो वहाँ पे जाने में फायदा है ना। बाकी मैगडी बहुत अच्छा है यहाँ पे एकदम बना हुआ। मन तो कुछ था कि डोसा वोसा खाने का, बट वो नहीं मिल पाया। अरे हम रामेश्वर कैफे जाने की सोच रहे थे, बट वहाँ पे फिर वो दूर है, वो थोड़ा अलग से हट के जाना पड़ता, फिर लेट हो जाते। अभी 4:30 बज रहे हैं और हमारी फ्लाइट 7 PM की है, लेकिन बैंगलोर का ट्रैफिक का कुछ पता नहीं। हाँ, इसलिए हम जल्दी निकल गए, 3-4 किलोमीटर पे भी लग जाता है। हाँ, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए थे और अभी हमारा 4:30 बज रहे हैं। 15-20 मिनट पहुँच जाके वहाँ पे लिंकेट से मंगाएंगे, लिंकेट से कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लेंगे। बाकी ऑर्डर देखो अभी कितनी देर में बनता है हमारा 88 नंबर ऑर्डर। फाइनली हमने अपना टेक अवे ले लिया है, तो आपने बर्गर निकाल लो इसमें और हमें प्राइस दे दो। पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पे।
सामने निकलते ही जो है प्लेन, और यहाँ हमारा मैकडॉनल्ड से टेक अवे हो गया है। हमारी कैब्स खड़ी हैं सामने। हमारी गाड़ी नंबर P38 है। चलो जी, 8 किलोमीटर दूर है इस मैकडॉनल्ड्स में हम रुके थे, एयरपोर्ट यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। और फाइनली हम बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये रहा हमारा लगेज, और ये रहा हंसल भाई। मैं बैंगलोर घूम रहे हैं भाई, तुम घुमा रहे हो। चलो भाई, 7 बजे हमारी फ्लाइट। को तुम्हारा कहाँ है? ये आ रहा है बस। ये भैया भाई होंडा ने भाई देख लो, हमें तो नहीं दिया भाई साहब, नहीं लिया पूरा। और जो मैकडी से बर्गर लेके आए थे वो फ्लाइट में खाया जा रहा है। आप नहीं खा रहे? मेरा व्यू नहीं, अभी आने वाला होगा। चलो जी, फ्लाइट का कुछ ही दिख रहा बाहर, हम बर्गर इंजॉय करते हैं। Even the nights the darkest before the dawn.